तो वो यादवों का नेता कहने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अभी मैं अररिया जिला के पलासी प्रखंड में हूँ और यहाँ के एक व्यक्ति था जिनका नाम था नंद किशोर यादव, जो समस्तीपुर जिले के मोहनपुर ओपी में एसओचओ के पद पे, मतलब बड़ा बाबू के पद पे थे, और नंद किशोर यादव को पशु तस्करों ने आंख में गोली मार करके मौत के नींद सुला दिया। बाकी उम्मीद है कि यादव के नाम पर राजनीति करने वाले लोग जो है कम से कम इनके घर पे जरूर आइए, इनके परिवार के लोगों को उनका हक अधिकार दिलवाने के लिए लड़ाई समाज से आते हैं। भाग जाइए पीछे, आप चार कदम पीछे, कल जब आपके कनपट्टी में गोली लगेगी ना, सुनिए ना, ये दरोगा जी का बात है, इसलिए 350 किलोमीटर था, जब आपके कनपट्टी में कोई कल गोली मारेगा तो कोई आपका कवरेज करने के लिए नहीं आएगा, ये बदलता बिहार है। रेडी है? बरसात के दिनों में गांव देहात में एक सांप निकलता है जिसका नाम घोड़करैत होता है। लोग कहते हैं कि वो सांप बहिरा होता है, अंधेरा होता है, उसको ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है, लेकिन जो भी उसके शरीर से सटेगा वो तुरंत उसको क्या करता है, डस लेता है। अपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घोड़करैत से थोड़ा भी कमजोर नहीं है, और गांव में लोग कहते हैं कि हमारा बेटा निकम्मा हो गई कोनो काम के नहीं के, तो वैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के लोगों के लिए अब निकम्मा हो गए, सरकार के साथ साथ पुलिस कर्मियों को भी निकम्मा बना करके छोड़ दिए। जानते ही बात हम काहे कर, कल 15 अगस्त को जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था और देश के 77वां जो है स्वतंत्रता दिवस और आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा था, उसी समय बिहार के समस्तीपुर जिला के मोहनपुर ओपी में तैनात एसओचओ नंदकिशोर यादव के आंख में गोली मार दी जाती है और गोली मार करके उनकी हत्या कर दी जाती है। आज हम उनके पैतृक गांव में, यहां पे हजारों लोगों का ये पूरा झुंड आप देख सकते हैं, यहां पे पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया जो लोग उनके और अंतिम संस्कार में जो है शामिल होने के लिए है। बाकी अब कुछ लोगों से जानेंगे कि अपने नीतीश कुमार के सरकार में कौन सुरक्षित है। कोई सुरक्षित नहीं है नीतीश सरकार, अभी गुंडा राज माफिया राज पूरा बढ़ा हुआ है। जो मन है वो लोग कर रहा है, अब प्रशासन को भी लगाम में उन लोग रख ले है, प्रशासन को भी लगाम लगा दीजिए और अपराधी को खुला छोड़ दीजिए। पिस्टल तो दे दिया है लेकिन चलाने का परमिशन नहीं है, तब कितना खुश है सरकार से, आप सरकार से कितना खुश है? नाराज, बेकार है। क्या कहेंगे आप, बाकी कुछ लोगों से जानते हैं, आप तो युवा समाज से आते हैं, भाग जाइए पीछे, आप चार कदम पीछे, कल जब आपके कनपट्टी में गोली लगेगी ना, सुनिए ना, ये दरोगा जी का बात है, इसलिए 350 किलोमीटर था, जब आपके कनपट्टी में कोई कल गोली मारेगा तो कोई आपका कवरेज करने के लिए नहीं आएगा, ये बदलता बिहार है। यही लोग हैं जो बिहार को और बर्बाद कर रहे हैं ना वो। सरकार से कितना खुश है? नहीं है, सुरक्षित है। तो वहाँ सुरक्षित क्या रहेंगे, बिहार में बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गया है सरकार लेकर के, आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो सरकार है दरोगा को गोली मार दिया जाता है, वहाँ पे योगी का नाम चल रहा है, आप सोच सकते हैं कि ये राज्य में कैसी सरकार है, जाके खुद का राज्य हो करके दूसरे राज्य का सरकार का नाम लिया जाता है योगी का नाम, आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा क्राइम बढ़ चुका है बिहार में। और बाकी पूरी बिहार को जो है बिहार के राजनेताओं के साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जाति पार्टी के राजनीति में बांट दिए, कुछ लोग कहते हैं कि हम यादवों के नेता है, कुछ लोग कहते हैं हम कुशवाहा के नेता है, कुछ लोग कहते हैं हम साव समाज के नेता है, कहते हैं ना, गलत नहीं ना बोल रहे हैं, लेकिन यादवों का नेता कहने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अभी मैं अररिया जिला के पलासी प्रखंड में हूँ और यहाँ के एक व्यक्ति था जिनका नाम था नंद किशोर यादव, जो समस्तीपुर जिले के मोहनपुर ओपी में एसओचओ के पद पे, मतलब बड़ा बाबू के पद पे थे, और नंद किशोर यादव को पशु तस्करों ने आंख में गोली मार करके मौत के नींद सुला दिया। बाकी उम्मीद है कि यादव के नाम पर राजनीति करने वाले लोग जो है कम से कम इनके घर पे जरूर आइए, इनके परिवार के लोगों को उनका हक अधिकार दिलवाने के लिए लड़ाई लड़िए। खैर छोड़िए, आपके लड़ने से क्या होगा, अब तक बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री लालू प्रसाद यादव जी के बेटा तेजस्वी यादव और लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे किसी भी लोगों का एक भी ट्वीट तक एसएचओ नंद किशोर यादव के शहादत के लिए नहीं आया, तो इस सरकार से क्या उम्मीद किया जा सकता है। और जो लोग जाति और पार्टी के नाम पे वोट देते, बटन दबाते, सरकार बनाते, कहते हैं कि तेजस्वी यादव जीतेगा तो यादवों के लिए सोचेगा, उपेंद्र कुशवाहा जीतेगा तो कुशवाहा के लिए सोचेगा, कोई सोचता है जी? नहीं, कोई सोचता है चाचा? कोई नहीं, जात के लिए कोई सोचता है? सोचता है कुछ? सहमत है मेरे बात से चाचा? सहमत है। जात के लिए कोई सोचता है? कोई नहीं सोचता। जात कब आता है? जब चुनाव आता है तब, उसके बाद कोई जात को सोचता है? कोई नहीं सोचता है। बाकी ये तस्वीर मैं आपको यहाँ से दिखा रहा था, आगे जो कुछ भी अपडेट आएगा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। बाकी नंद किशोर यादव जो है अब बिहार की सेवा करते करते अब शहादत उनकी हो गई है, हम लोग उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे और एक एक पल का एक एक अपडेट आपको दिखाने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय बिहार।